नमस्कार, स्वागत है आपका पल पल खबर नेशनल 18। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से फिर से की कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमें विश्वास है कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। देश में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल करीब 22 करोड़ 34 लाख 80 हजार सैंपल किए गए टेस्ट। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और को किया गिरफ्तार। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए आरजेडी कांग्रेस डीएमके ने राज्यसभा में दिया सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट से भरी कार की जांच शुरू, स्पॉट पर पहुंची एनआईए की टीम। इलेक्ट्रॉनिक वाहन वित्त पोषण उद्योग के 2030 तक 3.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,921 नए केस आए सामने, 133 लोगों की मौत।